महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का एक समुद्र किनारे बसा छोटा सा शहर है दापोली, जो एक जमाने में ब्रिटिशर्स का मिलिट्री कैंप भी हुआ करता था और इसी वजह से इस जगह को कैंप दापोली भी कहा जाता था। मुंबई से करीब 220 किलोमीटर दूर सी लेवल से 800 फीट की ऊंचाई पे दापोली एक काफी यूनिक लोकेशन है जो आपको एक हिल स्टेशन का एक्सपीरियंस देती है सराउंडिंग बाय अमेजिंग बीचेस। दापोली इज ब्लेस्ड विद अनटच्ड बीचेस, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, ब्यूटीफुल टेंपल्स एज वेल एज आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स अलॉन्ग विद इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। दापोली जाने के लिए मैंने मुंबई के LTT स्टेशन से ट्रेन ली और टिकट्स मैंने बहुत एडवांस में बुक कराई हुई थी एंड इट टुक मी अप्रॉक्स 3.5 hours टू रीच द खेड स्टेशन। और खेड से मेरा होटल था जो कि था साधना एग्जीक्यूटिव, वो 1 घंटे की दूरी पर था और मैंने होटल की टैक्सी ही बुलाई हुई थी पिकअप करने के लिए स्टेशन पर। द होल जर्नी वॉज सो क्विक एंड स्मूथ, मुझे ज़्यादा पता नहीं चला एंड ऑनेस्टली आई रियली प्रेफर ट्रेन वाइल ट्रैवलिंग टू सच प्लेसेज। एंड मैंने सुना है कि यहाँ का रोड ट्रिप भी काफ़ी सही होता है, काफ़ी स्मूथ है बिकॉज रास्ते काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। सो यू नो इन केस यू वुड लाइक टू गो तो यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ। व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू दिस वॉल आर्ट। इसको शायद वारली पेंटिंग बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो प्लीज़ डोंट जज मी। और तुम्हें पता है तो मेरे को कमेंट्स में ऑलरेडी बता दो। बट एनीवे, सो अभी तक टाइटल पढ़ के तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये वाला वीडियो है महाराष्ट्र से एंड दिस इज़ एक्चुअली माय फर्स्ट टाइम दैट आई वेंचर्ड आउट टू एक्सप्लोर समथिंग इन महाराष्ट्र। तो जो लोग यहाँ पर एक्चुअली फर्स्ट टाइम आया, तो लेट मी टेल यू दैट बिफोर कमिंग टू मुंबई आई वॉज इन बैंगलोर एंड वहाँ पर मैंने कर्नाटका एक्सप्लोर करना शुरू किया था। आई डिड दिस नमस्ते कर्नाटका ट्रैवल सीरीज, नमस्ते बैंगलोर सीरीज। नाउ दैट आई एम इन महाराष्ट्र आई हैव स्टार्टेड दिस नमस्ते महाराष्ट्र सीरीज विद दिस पर्टिकुलर एपिसोड। टुमारो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6:15 बजे वन आई एम ऑल सेट टू गो आउट एंड स्टार्ट माई एक्सप्लोरेशन जर्नी अराउंड दापोली। तो अभी साथ साथ चलते चलते मैं तुम्हें सारी डेस्टिनेशंस बताती रहती हूँ। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू आई एम एट पालंदे बीच विच इज़ अ वेरी वेल नोन एंड टूरिस्टी बीच हियर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड दिस बीच अभी क्योंकि मैं वीकडे पर हूँ यहाँ पे तो खाली खाली सही है काफ़ी वैसे, बट आई सॉ द सनराइज हियर बिहाइंड मी एंड काफ़ी सही सा लग रहा है। एंड इट इज़ जस्ट 5 kilometers फ्रॉम द प्लेस वेर आई एम स्टेइंग विच इज़ साधना एग्जीक्यूटिव होटल। दिस इज़ एक्चुअली अ रॉकी बीच, बीच बीच में आपको काफ़ी जगहों पर रॉक्स मिल जाएंगे एंड जो मेन एंट्रेंस है इफ़ यू गो लाइक 5 minutes अहेड ऑफ दिस और 5 minutes लाइक देयर दैट साइड काफ़ी क्लीन सा मिलेगा, बट दिस पर्टिकुलर साइड इज़ नॉट वेरी क्लीन। वी हैड रियली गुड टाइम वॉचिंग सनराइज एट दिस ब्यूटिफुल स्पॉट। Let's head towards our next destination here in Dapoli. Next, we came to this photography point. Apparently, अभी यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं but the view from here is pretty pretty nice. Also, the kachra here is pretty nice. I mean, why do people do that? I feel really, really, really bad and sad about it and honestly, I can't do anything about it. So, I just can only say through the video कि यार तुम लोग ये हरकत मत करना, अगर कभी लाइफ में करो तो प्लीज़ आई मीन एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना। द पॉइंट इज़ गुड एंड अर्ली मॉर्निंग या एक्चुअली सनसेट के टाइम पर यहाँ पर आएंगे तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा सही नज़ारा होगा यहाँ से। आफ्टर दैट वी लेफ्ट फॉर विजिटिंग गणपति टेम्पल बट वी क्रॉस्ड दिस ब्रिज वेयर वी डिसाइडेड टू स्टॉप फॉर सम टाइम बिकॉज द व्यूज वर लिटरली सो गुड एंड ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छा सा एक स्पॉट था। यहाँ पर जो भी आपको बोट्स नज़र आ रही हैं दीज ऑल आर फिशिंग बोट्स। Our next destination is the Ganpati Mandir, which is apparently very famous here in Dapoli. Under, I don't think ki camera allowed hoga, but jab tak hai to I'll record. ये गणपति टेम्पल के साइड में देर इज़ दिस हॉट स्प्रिंग। यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता नहीं है बट आई कैन एक्चुअली फील द वॉर्म्थ। शायद फिशेस भी हैं अंदर, देर इज़ समथिंग आई डोंट नो। यहाँ मेन मंदिर से बहुत ही पास में लाइक मुश्किल से 100 meters नीचे आके देर आर स्टेयर्स। उस स्पॉट पे रॉक के ऊपर गणपति जी के पैर हैं एंड यहाँ से व्यू इज़ लाइक वाओ। आई मीन बहुत ही सही से कोकोनट ट्रीज एंड एवरीथिंग एंड प्रॉपर लाइक गोवा वाइब्स एट दिस पर्टिकुलर स्पॉट। जस्ट द काम एंड एवरीथिंग इज़ ऑपोजिट टू गोवा।
After that, we had quick Maharashtrian breakfast, misal pav and poha. Then उसके बाद हम लोग जा रहे थे केशवराज टेम्पल की तरफ, जिसके लिए हमने एक विलेज क्रॉस किया जिसका नाम है हरनाई. और ये इस रीजन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिशिंग मार्केट है एक्चुअली. और यहाँ पर डेली शाम को फिशेज की मार्केट लगती है, ऑक्शन होता है एंड एवरीथिंग. और कर्नाटका और महाराष्ट्र के काफ़ी सारे पार्ट्स में यहीं से फिशेज की सप्लाई होती है. It's 10:15 in the morning and dhoop kafi zyada ho chuki hai and now I'm heading towards Keshavraj temple. Apparently yahan ka rasta bada hi sahi sa hai and this is also the last stop for now. Iske baad I'm going back to the hotel, taking rest for some time and shaam ko fir se hum exploration start karenge. But for now let's go. Kafi sahi rasta hai yaar, ye pure supari ke ped hain aas paas and let me show you something. If you can see to ye jackfruit यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी. और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया था सिर्फ एक दिन में एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. यहाँ केशवराज टेम्पल तक आने का रास्ता इज प्रीटी गुड एंड टायरिंग. और इट्स टू हॉट, मैंने अभी अपना फेस वगैरह सब वॉश किया. And now going back to the hotel and yeah, time to take some rest. होटल वापस जाने से पहले रास्ते में ही हमें एक छोटी सी शॉप नज़र आई जहाँ से हमने कोकम शरबत ट्राई किया एंड दे हैड अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ जैक फ्रूट चिप्स एंड कोकम के काफ़ी सारे आइटम्स थे उनके पास. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. What's up guys? Good afternoon. After taking a good nap, I am here again going out for my second round of exploration around Dapoli. कहाँ से स्टार्ट करें ऑनेस्टली मुझे खुद आइडिया नहीं है. अभी चलते हैं. वो जो ड्राइवर भैया हैं बेसिकली ही इज़ आवर गाइड ऑल्सो, ही इज टेकिंग टू ऑल दोज फेमस प्लेसेज एंड एवरीथिंग. सो आई विल टेक यू अराउंड साथ साथ ही मेरे. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि यार यहाँ का खाना मुझे ना ऑनेस्टली बहुत पसंद आ रहा है. लाइक द स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई हैव ईटन इन द पास्ट. इट्स लाइक इट्स सो महाराष्ट्रन. ऑब्वियसली आई एम इन महाराष्ट्र सो इट इज़ गोइंग टू बी महाराष्ट्रन. मुझे पंजाबी और साउथ इंडियन की थोड़ी नॉलेज है और आदत है. लेट्स एक्चुअली क्विकली गो एंड खाने के बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे. वी हैव रीच्ड परशुराम जी का स्टैचू है जहाँ पे उस पॉइंट पर एंड दैट्स द स्पॉट. Eatables are not allowed inside. जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है मंडे टू फ्राइडे शाम को चार होते हैं, पाँच आई डोंट नो क्या होता है ये, आई डोंट नो. बट तुम्हें अगर समझ आ रहे तो शायद 5-6 बजे तक होता है ये. एनी वेज लेट्स गो एंड फाइंड आउट द राइट स्पॉट टू कैप्चर. यहाँ परशुराम जी के स्टैचू के पास यहाँ से व्यू इज़ वेरी 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 नाइस एंड आई मीन ऑब्वियसली यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस पॉइंट. यू कैन एक्चुअली सी द सी ऑल्सो. सी दैट्स अ ग्रेट स्पॉट स्पेसिफिकली इवनिंग्स के टाइम पे या मॉनसून के टाइम पे. अगेन मॉनसून के टाइम पे महाराष्ट्र में कहीं पर भी चले जाओ आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी क्रेजी. मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया बट अगेन आई कैन प्रिडिक्ट इट फॉर माई सेल्फ एंड जस्ट कांट वेट टू एक्सप्लोर द प्लेस इन मॉनसून्स. इस स्टैचू के अंदर बेसिकली देर इज़ इस मेडिटेशन सेंटर और यहाँ पर आवाज़ बहुत ईको हो रही है. लेट मी शो यू द डेमो. एक्चुअली मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो इसलिए आई एम एबल टू मेक नॉइज, अदरवाइज इट शुड not supposed to happen. But all to myself. ये हरकतें वैसे मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, जस्ट यू नो समटाइम्स व्हेन आई गेट ओवर एक्साइटेड. बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. ओके नाउ आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल यू गाइज. तो सामने सी है. आई एम श्योर अभी बहुत ज़्यादा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होगा ढंग से बिकॉज सन इज़ वेरी हार्श अभी. एंड बेसिकली यहाँ पर ना इसको तामस तीर्थ बोलते हैं जहाँ पर एक सेट ऑफ वेव्स रेड कलर की हैं. देर इज़ द टैक्सी. इन भैया का मैं बेसिकली नंबर भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी सो दैट तुम्हें कभी जाना हो तो ही कैन एक्चुअली गाइड यू एंड ऑल. ये 12 बजे जो पानी रहता है ना दोपहर का, पूरा ये इतना पट्टा पूरा रेड दिखता है दोपहर के 12 बजे. ऐसा क्यों? अभी फ्रैंकली स्पीकिंग इतना नहीं दिख रहा अभी नहीं दिख रहा है.
उसमें एक अति सूक्ष्म अशी एक वनस्पति है. ओके. उसकी वजह से वो दिख रहा है. Reached to Ladwar Beach, which is a popular beach here, and it is actually pretty nice. I mean, खाली खाली सा है और just सामने ना वैसे एक होम स्टे है जिनका यहाँ हैमक लगा हुआ है. मैंने आंटी से पूछा कि मैं फ़ोटो करा लूँ, so she agreed. And so you know I have very good communication and convincing skills. By the way, we'll just go to the beach अभी, and इसके बाद हम लोग sunset के लिए जा रहे हैं करड़े beach. एंड वहाँ का मैंने सुना जाने का रास्ता बड़ा ही प्यारा है, तो पहले यहाँ चलते फिर वहाँ चलेंगे. इस बीच पे ना मुझे बहुत ही डिफरेंट टाइप के पत्थर दिखे एंड आई थॉट कि थोड़े से कलेक्ट करके मैं घर पे लेके जाती हूँ. और जो मेरी कैप मैंने कब से पहनी हुई थी इसको बेसिकली मैंने अभी पत्थर कलेक्ट करने के लिए रख ली है. एंड इफ़ यू सी तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं, मैंने बहुत सारे इकट्ठे करे हैं यहाँ पर भी. एंड ऐसे मैंने पहले कभी किसी बीच पर नहीं देखे हैं, सो आई एम सो यू नो इंट्रीग्ड कि लेकर चलते हैं इसको. प्लस मुझे ना ऐसी रॉ सी चीज़ें कलेक्ट करना बड़ा ही ज़्यादा पसंद है. सो पानी आ गया, पानी आ गया, लेट्स कलेक्ट फ्यू मोर. ओके जी, फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द ट्रिप इज करड़े बीच, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर स्पॉट. एंड ऑनेस्टली बीच काफ़ी सही सा लग रहा है. वीकडे में आने का बेस्ट पार्ट है कि लोग बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे. एंड बीच शैक्स तो नहीं है ऐसे, लाइक छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, विच इज़ नाइस. ये कलरफुल रॉक्स बड़े सही से लग रहे हैं यहाँ पे. वेल गाइज, दैट्स करड़े बीच फॉर यू. एंड यहाँ पर काफ़ी लोकल्स अभी मुझे वैसे नज़र आ रहे हैं. एंड आई एम ऑल मिट्टी 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 बिकॉज मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे. सो आई एम गोइंग बैक टू द होटल नाउ. लेट्स कॉल इट अ डे हियर बिकॉज आज का पूरा दिन यू नो एक्सप्लोरेशन एंड एवरीथिंग, इट वेंट रियली रियली वेल. एंड सी यू टुमारो. गुड मॉर्निंग गाइज, विद द लवली ब्रेकफास्ट स्प्रेड. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने फोटो शूट करना था इसलिए हमने बहुत ही ज़्यादा यू नो सजा सजा के सब कुछ रखा हुआ है. एंड Now that the photo shoot is done, I have breakfast and uske baad actually I'll give you a quick property tour also jahan par main ruki hui hu. A few moments later, I am staying at Sadhana Executive. This is a property in Dapoli aur yahan se aap enter karte ho and this is the parking area and from here it's the entrance. And talking about the room categories, so they have three categories: comfort, royal and executive. And I guess price starts from 3,500, including the breakfast and everything. And that's the reception area. There is the restaurant, and they have like 14 rooms on first and second floor. As promised, let me quickly give you a room tour now. So from here, this point the room starts, and okay, bahar ka bhi thoda sa dikha deti hu. So this is a huge lobby area. नीचे देर इज़ रिसेप्शन, देर इज़ दिस फर्स्ट फ्लोर, देर इज़ द सेकेंड फ्लोर, देन टन टन देर इज़ द रूम. एंड एज यू एंटर देर इज़ दिस काउच एरिया एंड देन देर इज़ दिस बेडरूम. एंड यप, दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया. एंड ऑब्वियसली द बेस्ट पार्ट इज़ द मिरर. वॉशरूम इज़ ऑल्सो प्रिटी ह्यूज इन साइज. एंड देर इज़ द बालकनी. Balcony size is also, you know, pretty decent. Decently big actually. There is the swimming pool. There is the gaming area. वो मैं तुम्हें अभी जाकर दिखा देती हूँ. And just इसके नीचे is the restaurant. This is the gaming zone and there is the lawn. Gaming zone मैं तुम्हें दिखाती हूँ. वैसे मैंने कल यहाँ पर pool खेलना सीखा from a friend जो मेरे साथ आए हैं यहाँ पे. Okay. So छोटा सा है but they have like carom board, TT and the pool. Day 4. घर वापस जाने से पहले अभी हम लोग दापोली के मेन मार्केट में रुके हैं. यहाँ पर एक बड़ा फेमस है मारुति पंचमुखी मंदिर. There you see. यहीं के मार्केट में, why? Let me tell you. यहाँ का कोकम बड़ा फेमस है एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ दापोली में ट्राई किया. सो आई एम टेकिंग वन ऑफ द कोकम सिरप. इसको नॉर्मल पानी में डाल के इसे शिकंजी की तरह बनाते हैं बेसिकली. ये कितने का है आंटी? एक लीटर. हाँ, कितने का है? 170 लिखा हुआ है इस पे. डेढ़ सौ में आएगा. डेढ़ सौ में आएगा.
यहाँ पर काजू की सब्ज़ी भी बड़ी फेमस है और ये गीले काजू हैं जो यहाँ पर स्पेशली सब्जी बनाने के लिए मिलते हैं। इसका क्या रेट है आंटी? 300 रुपये पाव। नेक्स्ट फेमस थिंग इज़ यहाँ के मैंगोज। सो बेसिकली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के मैंगोज बहुत ही फेमस हैं और आई एम थिंकिंग टू टेक फ्यू होम। दैट्स द कोकम दे आर सेलिंग और मैंने वैसे ले लिए हैं, 10 रुपीज़ का ये पूरा एक बंच दे रहे हैं और आई एम गोइंग टू ट्राई एक्चुअली कि ये होता क्या है, कैसे है ये। शरबत भी ले लिया मैंने और कोकम फ्रूट भी ले लिया। ठीक है आंटी, थैंक यू। फाइनली द ट्रिप हैज कम टू एन एंड। रेन इज ऑल्सो हियर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। वीडियो पसंद आई